नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने सेमी ऑटोमेटिक फार्म बनाया था और फार्म बना करके हमें बहुत सारा वीट मिला था। जो वीट मिला हमने उसको हमारे एनिमल को खिलाया, तो जिससे उनकी भूख शांत हुई। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने कासल के लिए विलेज लाने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ा कासल मैं बना चुका हूँ, बट इस बड़े कासल में मैं अकेला रहता हूँ, सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, तो अब मैं थक चुका हूँ। तो फाइनली अभी जा करके अपने कासल के लिए विलेजर लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, विलेजर्स को लाने के लिए मुझे बहुत ही खास चीज बनानी है, वो है रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि मैं रेल की मदद से अपने विलेजर्स को घर पे लाने वाला हूँ। तो रेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेलवे ट्रैक चाहिएंगे। तो रेलवे ट्रैक बनेंगे आयरन और स्टिक्स की मदद से। तो उसके लिए हमें आयरन और स्टिक्स लगने वाला है, और साथ ही में रेल की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें गोल्ड और रेड स्टोन और स्टिक्स लगने वाली हैं। तो माइन कार्ड बनाने के लिए हमें आयरन लगने वाला है। तो सारी रेसिपी हम देख चुके हैं, तो फटाफट से जो जो सामान हमें चाहिए वो सारा चेस्ट से एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पर। तो यहाँ से हम 64, 37, 3 जितना भी आयरन है वो सारा का सारा आयरन मैं अभी ले लेता हूँ। इसी के साथ में मैं रेड स्टोन वगैरह भी ले लेता हूँ, मेरे पास 64 रेड स्टोन भी हैं, वो भी उठा लेता हूँ, और जो गोल्ड है वो भी मैं उठा लेता हूँ। तो एक बार फटाफट से सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले दो माइन कार्ट मैं तैयार करने वाला हूँ, एक हो चुकी है और ये दूसरी भी हो चुकी है। तो इसके बाद में अब तैयार करते हैं रेलवे ट्रैक लेते हैं। तो हमारे पास में जितना भी आयरन पड़ा था उतने का मैं रेलवे ट्रैक बना चुका हूँ। तो फाइनली पावर रेलवे ट्रैक भी बना लेते हैं, कितने बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो फाइनली हमें बहुत सारे रेलवे ट्रैक और पावर्ड रेलवे ट्रैक मिल चुके हैं। तो रेड टॉर्च बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रेड स्टोन चाहिएगा, जितना अभी फिलहाल हमारे पास में है उसकी रेड टॉर्च एक बार बना देते हैं। तो 15 रेड टॉर्च भी मैं बना चुका हूँ। चलिए बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बाद में एक बार फिर से बना लेते हैं, एक बार हमारा जो रेलवे ट्रैक का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कासल के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा सा एक जो साइड वाला ये पोर्शन है मैंने एक और बना दिया है। यहाँ पे भी मैंने ज़मीन को पूरा समतल कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाना था और बहुत सारा चीज़ें हमें और भी बनानी है, तो कासल बहुत छोटा पड़ गया था। जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है मैं इसी कोने में बनाने वाला हूँ। पास ही में एक गाँव है, वहीं से मैं जाकर के विलेजर्स लेके आने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मैं बहुत सारी लूट मचा के आया था अपने लिए। वहाँ पे मैं बहुत सारा टेराकोटा और वहाँ पे जो जो रिसोर्सेज थे, बेल वगैरह, वो सारे मैं देख करके लेके आ चुका था विलेजर्स के घर बनाने के लिए। तो वो काम में भी बाद में करने वाला हूँ, जितना भी काम है वो सब बाद में होगा। एक बार जा करके सिर्फ और सिर्फ मैं आज अपने घर पर विलेजर्स लाने वाला हूँ। तो मैंने दोस्तों फूड भी मेरे पास में रख लिया है, फूड की कोई कमी नहीं है, ताकि मुझे भूख लगे तो मैं सारा काम कर पाऊँ एक ही बार में। तो फाइनली यहीं से मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ से अपना रेलवे ट्रैक निकलने वाला है, तो यहाँ की जो ब्लॉक्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो कोबल स्टोन मैं जा करके ले आया हूँ, अब कोबल स्टोन की मदद से हम सारा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे रखते हैं कोबल स्टोन। अरे आयरन गोलम, तुम कहाँ बाहर आ रहे हो यार, तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं बनाया है मैंने यार, ये पता नहीं कहाँ से बाहर आ गया यार। तो एक बार दिन कर लेते हैं, रात हो चुकी है, रात में काम करने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। सामने मैंने यहाँ पे बेड लगाया था, इसी पे सो करके फटाफट से दिन कर लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी रेलवे ट्रैक बिछा करके हम गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन अब जो हमारी रेलवे ट्रैक्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। तो फटाफट से मुझे एक बार फिर कासल में जा करके आयरन से मुझे रेलवे ट्रैक्स बनानी पड़ेंगी और वापस से आकर के यहाँ पे बाकी का काम शुरू करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं माइन कार्ट यहाँ पे रखता हूँ और साथ में मेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी और मैं कासल में जाकर के बाकी का सामान भी लेके आऊंगा। तो फटाफट से चलते हैं माइन कार्ट के थ्रू और देखते हैं अब हमारा काम कितना हो रहा है। ओ भाई गलत जगह धक्का दे दिया, तो मैंने इसको गलत जगह धक्का दे दिया था। देखिए अब धीरे धीरे हमारा जो माइन कार्ट है वो आगे बढ़ रहा है। तो फटाफट से इसकी स्पीड भी तेज करने के लिए मुझे पावर रेल ट्रैक लगाने पड़ेंगे, तभी इसकी जा करके स्पीड तेज होगी। मेरा माइन कार्ट बिना पावर ट्रैक लगाए हुए अपने कासल तक पहुंच चुका है। अगर मैं इसके अंदर पावर रेल ट्रैक लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट मैं यहां पे आ जाऊंगा। तो फटाफट से हम कासल के अंदर आ चुके हैं और बाकी का जो आयरन है उसकी मदद से हम बाकी के ट्रैक बना लेते हैं। तो हमने फर्नेस के अंदर डाल रखे थे आयरन जो कि पक चुके हैं, अब बना लेते हैं रेलवे ट्रैक्स। तो इससे हमें 64 रेलवे ट्रैक्स मिल चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो फटाफट से माइन कार्ट में बैठ करके वापस से चलते हैं विलेज में और हमारा पावर ट्रैक का जो काम है वो भी साथ में करते हुए जाएंगे, जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। पावर ट्रैक का जो काम है वो भी यहाँ से स्टार्ट करते हुए साथ ही में चलते हैं। तो जो इनको पावर ट्रैक को लगाने का जो तरीका होता है वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। पावर ट्रैक को लगाने के लिए हमें साथ ही में एक रेड टॉर्च अटैच करनी होती है, क्योंकि रेड टॉर्च जब हम अटैच करते हैं साथ में तभी उसकी जो पावर है वो बनती है। देखिए आप दोस्तों अभी जो पावर ट्रैक है उसके अंदर लाइट नहीं जल रही, और जैसे ही हम रेड टॉर्च यहाँ पे लगाएंगे उसकी लाइट जल जाएगी। देखिए दोस्तों, तो ये जब तक आप पास में एक रेड टॉर्च नहीं लगाते हैं तब तक ये काम नहीं करता है। तो पास में आपको एक रेड टॉर्च लगाना जरूरी है। तो ये काम भी हम साथ ही में यहाँ पे करते हुए जाते हैं और ये आयरन गोलम पता नहीं मेरी पावर ट्रैक से विलेज में जा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये पता नहीं यार ये क्या लगा रखा है यार, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और आप ये आयरन गोलम मुझे बड़ा परेशान कर रहा है और ये पता नहीं विलेज में जा रहा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम पावर ट्रैक्स लगा देते हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। अंदर तक आ चुका हूँ और जितने भी ट्रैक्स हैं मेरे पास में वो सारी सारी मैं बिछा देने वाला हूँ, ताकि क्या है कि जो बाकी का जो काम है फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं सामने तक अपनी ट्रैक्स को बिछाने वाला हूँ जिससे मैं अपने माइन कार्ट के अंदर बिठा करके फटाफट से विलेजर्स को अपने साथ में ले जा पाऊँ। अब हमें फटाफट से एक बार विलेजर्स को भी देखना पड़ेगा साथ ही में कि वो कहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं इनके विलेजर्स के घर यहाँ पे टूटे फूटे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आया तो यहाँ पे टेराकोटा मुझे मिला था स्टोन, तो मैंने इनके घरों में से सारे टेराकोटा स्टोन और जो जो काम की चीज़ें थी वो सारी मैंने ले ली थी, जिससे कि मैं अपने कासल के अंदर उनके लिए घर बना पाऊँ। तो फटाफट से जो ट्रैक्स का काम है वो फिनिश कर देते हैं। अब हमारे पास में ज़्यादा ट्रैक्स नहीं बची हैं, तो जितने भी ट्रैक्स हैं वो हम रहने देते हैं ताकि हमें जो माइन कार्ट्स हैं उनको उनके पास तक ले जाने में आसानी रहेगी। अब फटाफट से देखते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि विलेजर्स अभी मुझे एक भी दिख नहीं रहा है। तो विलेजर्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलेजर्स कहीं भाग ना गए हों। तो हमारे अगर विलेजर्स हमें नहीं मिले तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो बेकार जाने वाली है। तो फटाफट से विलेजर्स देखते हैं कहाँ पर हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामने विलेजर मुझे दिख गया है, मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद में ये विलेजर मिल चुका है। तो फटाफट से मैं इसको माइन कार्ट में बिठाने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ गायब हुआ? तो दोस्तों विलेजर्स जो है पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो चलो इसके अंदर गया ये, मैं माइन कार्ट यहाँ पर रख के देखता हूँ वो आकर के बैठता है या नहीं बैठता है। अरे माइन कार्ट को धक्का लग गया, माइन कार्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है बार बार। थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। ओके, तो थोड़ा विलेजर्स को बिठाना इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ओ लेकिन नहीं, ये तो बैठ चुका है, विलेजर्स बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बैठ चुका है हमारे माइन कार्ट के अंदर, और ये माइन कार्ट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फटाफट से यहाँ पे एक बैरियर लगा देते हैं जिससे कि यहाँ से आगे वो माइन कार्ट नहीं जा पाएगी। तो ये थोड़ी सी माइन कार्ट जो है टेढ़ी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे हमारी माइन कार्ट जो है पटरी पे वापस आ चुकी है।
तो अब मैं चलता हूं इस वाले को लेकर के, इसके पीछे जो है एक माइंड कार्ड मैं लगा देता हूं, उस माइंड कार्ड के अंदर मैं राइड करता हूं, जिससे कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा धक्का दे करके अपने घर तक, कासल तक मैं इसको ले जाने तो वाला हूं। चलिए हम हमारे विलेजर को फटाफट से कासल में लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजी होता है माइंड कार्ड के थ्रू अपने विलेजर को कासल में लेके जाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे रुक गया फिर ये भाई, रुक 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 रुक। तो ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे इसको हटा करके हम नॉर्मल ट्रैक लगा देते हैं, जिससे मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा नॉर्मल ट्रैक हम लगा चुके हैं, और जो विलेजर है वो वापस से अपने गांव में माइंड कार्ट के थ्रू इधर उधर करे जा रहा है। हमारी जो ट्रैक है हम उसमें बैठ करके, हमारी जो माइंड कार्ट है उसमें बैठ करके हम एक बार चले जाते हैं फटाफट से उसके पीछे, ताकि अगर आगे वो कहीं रुकेगा तो हम उसको हमारे कासल तक ले जा पाएंगे। और ये पता नहीं माइंड कार्ट जो है फटाफट थोड़ा सा धक्का लगते ही पता नहीं आगे चली जाती है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, रात भी होने वाली है, पता नहीं ज़ोंबी वगैरह आए उससे पहले हमें हमारे विलेजर तक पहुंचना होगा। तो फास्टली हमारा सामने देख पा रहे हैं विलेजर जो है आगे निकल चुका है। मुझे नहीं लगता इस बार हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, फटाफट से बिना किसी दिक्कत के हमारे कासल में रात होने से पहले पहुंच जाएगा। और विलेज हमारे जो कासल है, कासल के अंदर जाकर के मुझे उसके लिए एक घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कासल में उसके लिए कोई घर नहीं बनाया है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारा विलेजर भी हमारे आगे आगे कितनी तेज स्पीड से हमारे कासल में पहुंच चुका है। और यहाँ पे ये रुक गया है और वापस आ रहा है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसने मुझे भी धक्का दे दिया। और क्या हो गया भाई, तो इसको यहाँ पे उतारना पड़ेगा और यहाँ पे एक बार, अरे भाई ये पता नहीं वापस से चला गया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, यहाँ पे मुझे एक बार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और ये क्रीपर पता नहीं आगे क्या कर रहा है, तो यहाँ से मैं आगे का काम करता हूँ। तो ओके ये देखिए यहाँ पे आके अब रुक चुका है। तो फाइनली दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम हमारे लिए एक विलेजर घर पे लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने मेहनत लगी ट्रैक्स बिछाने में, बट जो विलेजर है उसको हम आसान तरीके से हमारे घर पर ले आए। तो अब फटाफट से ट्रैक बिछाते हैं आगे के, जिससे हम उसे हम डायरेक्ट हमारे कासल के अंदर ले जा पाए। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ विलेज के अंदर और सामने ये विलेजर घूम रहा है। तो यार मुझे नहीं लगता ये इतना आसानी से इसके अंदर माइंड कार्ट के अंदर बैठने वाला है, तो मुझे यहाँ तक एक बार जो है अपनी पटरी लानी पड़ेगी। ओके तो ये फाइनली यहाँ तक तो आ चुका है और मैं इसको चाह रहा हूँ माइंड कार्ट में बिठाना। आ जा भाई आ जा, ये रहा इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, ये रही तुम्हारी राइड, ये रही बैठो इसमें, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम्हें आलू खिलाऊंगा मैं, इधर आओ। आ जा भाई आ जा, प्लीज़ आ जा प्लीज़ आ जा, आ जा भाई प्लीज़ आ जा भाई, तेरे भाई के पास ले जा रहा हूँ, तेरा भाई वहाँ पे, इधर आ जा। अरे तुम्हारा जो मिलने वाले हैं हमारे कासल में, इधर आओ, किडनैप करके ले जा चुका हूँ मैं इसको यहाँ से। भाई आ जा, ले मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, क्या सोच रहा है, बैठ जा, डायरेक्ट घर तक जाएगी यार ये, बैठ ही नहीं रहा बैठ ही नहीं रहा बैठ ही नहीं रहा, पता नहीं भाग रहा है कहीं। तो यार ये पता नहीं बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पे, पता नहीं भाग ही जा रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से पटरी बना देते हैं। नहीं कहाँ गायब हो चुका है, अभी तो इस घर के अंदर गया था। अरे यार मैं तुझे वहां ढूंढ रहा हूं, तू यहाँ पटरियों के पास में खड़ा हुआ है पागल आदमी, ये ले बैठ। अरे यार ये बैठ ही नहीं रहा है यार, मैं इसको मार डालूंगा अभी। नहीं ये जा करके सो गया है, ये जैसे उठेगा वैसे इसके अंदर बिठा दूंगा मैं इसको।
तो भाई साहब फाइनली ये भैया अब जा करके मेरे अंदर, तो फाइनली ये मेरा माइंड कार्ट के अंदर विलेजर बैठ चुका है। इसे धक्का देते हुए मैं अपने कासल के अंदर भेज देता हूँ। फाइनली मेरे दोनों के दोनों विलेजर कासल के अंदर आ चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि अब ये वापस यहाँ से जाएं, तो मैं यहाँ की जो पटरियाँ हैं वो उसको तोड़ रहा हूँ ताकि ये मेरे वापस नहीं जा पाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये यह अटक चुका है, ये मेरे से वापस तो नहीं जाने दूंगा तुमको। चलो वापस चलो अंदर चलो, हाँ फटाफट कासल के अंदर जाएंगे। चलो तो भैया तुम्हें अब यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो मैं विलेजर्स को तो अपने घर में लेकर आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर देना है, और जो ताकि ये जो है वो बाहर नहीं जा पाए। तो एक बार मैं अपनी जो ट्रैक है उसको तोड़ करके यहाँ के जितने भी दरवाजे हैं वो बंद कर रहा हूँ ताकि जो मेरे विलेजर्स हैं वो सेफ रहें और यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाए। फाइनली वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। माइनकार्ट के थ्रू मैं अपने कासल के अंदर दो विलेजर लेके आया। दोस्तों बड़ी मेहनत लगी है इस पूरे वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।